नमस्कार दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जिसमें सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। भारत में प्रत्येक धर्म का सम्मान किया जाता है। भारतवासी सभी त्यौहार व पर्व मिलजुल कर मनाते हैं। होली भारत का प्रसिद्ध व बड़ा त्यौहार है। रंगों का त्यौहार होली पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। कई स्थानों पर केवल रंग खेलने या रंग लगाने की परंपरा है तो कई स्थानों पर होली की पूर्व संध्या में होलिका दहन करने की परंपरा भी है। प्राचीन समय में होली के त्यौहार को होलिका या होलाका कहा जाता था। देश के अलग अलग हिस्सों में होली के त्यौहार को फगुआ व धुलंडी के नाम से मनाया जाता है। प्राचीन समय से ही होली का त्यौहार पूरे भारत में मनाया जाता रहा है। होली का त्यौहार फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन से हिंदू नव वर्ष का आरंभ होता है। इतिहास के अनुसार होली का त्यौहार मनाने की परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है। हिंदू मान्यता के अनुसार होली के दिन से नया संवत शुरू होता है। इसी दिन मनु का जन्म और कामदेव का पुनर्जन्म हुआ था। इसीलिए रंगों के त्यौहार होली का महत्व और भी बढ़ जाता है। इसी दिन भगवान विष्णु ने अपने परम भक्त प्रहलाद की रक्षा करते हुए और उसे दर्शन देते हुए नरसिंह रूप में प्रकट होकर हिरण्यकश्यप का वध किया था। नारद पुराण और प्राचीन ग्रंथों में भी होली पर्व का उल्लेख किया गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में होली के त्यौहार का विशेष उल्लेख देखने को मिलता है। भगवान श्री कृष्ण भी होली खेला करते थे। भगवान कृष्ण की लीलाओं में भी होली का वर्णन किया गया है। साहित्य में महाकवि सूरदास ने होली व बसंत से संबंधित 78 के करीब पदों की रचना की है। होलिका दहन से जुड़ी है प्राचीन कथा। प्राचीन कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप नामक असुर भगवान विष्णु को नहीं मानता था। वह अहंकार में आकर खुद को ईश्वर मानने लगा और कहा कि केवल वही सर्वशक्तिमान है, इसलिए राज्य में केवल उसी की पूजा की जाए। अहंकारवश वह अपने राज्य में पूजा अर्चना और यज्ञ बंद करवाकर ईश्वर की भक्ति करने वाले लोगों को परेशान करने लगा। अन्य लोगों के साथ ही हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भी भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप के मना करने के बावजूद भी प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहा। प्रहलाद के नाम मानने पर हिरण्यकश्यप ने उसे मारने का कई बार प्रयास किया, लेकिन उसके सभी प्रयास असफल रहे। इसका कारण था कि प्रहलाद की रक्षा खुद भगवान विष्णु करते थे, इसलिए प्रहलाद की भक्ति व विश्वास भगवान के प्रति और भी प्रबल होता गया। होलिका ने किया था प्रहलाद को मारने का प्रयास। हिरण्यकश्यप की होलिका नामक एक बहन भी थी। मान्यता के अनुसार होलिका के पास एक ऐसी चद्दर या कपड़ा था जिसे ओढ़ने से आग से जलने से बचाव होता था। यह चद्दर होलिका को भगवान शंकर से मिली थी। प्रहलाद को मारने की नीयत से होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर चिता में बैठ गई। उसने सोचा था कि वह तो उस चद्र के कारण जलने से बच जाएगी और प्रहलाद उस आग में जलकर मारा जाएगा, लेकिन जिसकी रक्षा खुद भगवान करते हैं उसे मौत के घाट उतारना इतना आसान नहीं होता। भगवान की कृपा से वह चद्दर प्रहलाद के ऊपर आ गई, जिसके कारण होलिका उस चिता की आग में जल गई और प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। इसके बाद से आज तक होली के दिन होलिका दहन किया जाता है। होलिका को बुराई व दुर्भावना का प्रतीक मानते हुए होली जलाकर भगवान द्वारा एक भक्त की रक्षा करने की खुशी मनाई जाती है। मुगल काल में भी मनाया जाता था होली का त्यौहार।
प्रसिद्ध पर्यटक अल्बरूनी ने भी अपनी यात्रा के संस्मरण में होलिका उत्सव का वर्णन किया है। इसके अलावा मुस्लिम कवियों द्वारा भी अपनी रचनाओं में होली के त्यौहार का उल्लेख किया गया है। इतिहास के पन्नों में मुगल शासन के समय में भी होली का त्यौहार मनाने का जिक्र मिलता है। इतिहास में अकबर व जोधाबाई और जहांगीर का नूरजहां के साथ होली खेलने का उल्लेख मिलता है। साथ ही शाहजहां के शासनकाल में भी होली का त्यौहार मनाने का उल्लेख किया गया है। शाहजहां के समय में होली के त्यौहार को आबे पाशी यानी रंगों की बौछार और ईदे गुलाबी नामों से जाना जाता था। रंगों का त्यौहार है होली। रंगों का त्यौहार होली हर उम्र व वर्ग के लोगों की पहली पसंद है। प्रेम और सद्भावना के इस त्यौहार पर लोग एक दूसरे को गुलाल व रंग लगाते हैं। होली के दिन कोई भी किसी द्वारा रंग लगाने पर गुस्सा नहीं करता, बल्कि यह कहा जाता है कि बुरा ना मानो, होली है। सो दोस्तों, यह थी होली के त्यौहार से जुड़ी जानकारी। हर दिन नए और बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए चैनल D5 हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह के बेहतरीन आर्टिकल्स पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें। जुड़े रहें चैनल D5 हिंदी के साथ।